हे हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्री फायर में 5 ऐसे प्लेस जिन पर आप बहुत कम जाते हो या फिर आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप न्यू प्लेयर हो तो सिर्फ पुराने प्लेयर को ही पता है, जो फ्री फायर 1 साल से ऊपर या फिर 6 महीने से खेल रहा हो। जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये न्यू प्लेस कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर, देख लीजिए मैप में ये कौन सा प्लेस है, सेंटोसा के बगल में आ जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो आपको 2 सर्कल तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी। और देखिए गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी लूट भी मिलती है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रैंक पुश भी मिल जाएगा इस जगह इस प्लेस पर अगर आप उतरोगे तो। और यहाँ पर आपको बहुत सारी लूट मिलती है एक बंदे के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारी लूट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप आए भी नहीं होगे कभी। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत कम बंदे आते हैं, यहाँ पर कोई भी आता ही नहीं है। यहाँ पर जब मैं उतरा था तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आया था जिसको मैंने किल कर दिया। यहाँ पर देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पर छिपकर बैठ जाते हो तो आपको कोई भी नहीं देख सकता है। यहाँ पर आकर अगर आप यहाँ पर छिपकर बैठते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्लेस नंबर 2 की, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं प्लेस नंबर 2 पर। आपने ये वाला प्लेस तो देख ही लिया होगा अच्छे से, तो मैं प्लेस नंबर 2 पर ले चलता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं प्लेस नंबर 2 की, तो आपको बिना मैप में देख ही बताना है कि ये कौन सा प्लेस है। आप बता ही नहीं सकते हो कि ये कौन सा प्लेस है। बेसिकली यहाँ पर बहुत कम बंदे आते हैं, तो आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हो। ये लोकेशन उस मैंने पहले वाला जो बताया था ना, उससे कुछ ही दूरी पर है ये नेक्स्ट लोकेशन। तो आप देख सकते हो कितनी ओपी जगह है। यहाँ पर आप रैंक उतर करने के लिए उतर सकते हो और लूट लेकर जा सकते हो बंदों को मारने के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है रैंक पुशिंग के लिए। अब न्यू रैंक सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर आप रैंक पुश करने के लिए उतर सकते हो। यहाँ पर स्क्वाड के लिए भी लूट मिल सकती है, बहुत अच्छी लूट मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे लूट के स्थान हैं और यहाँ से आप जा भी सकते हो। यहाँ से ये जिपलाइन है, जिपलाइन का प्रयोग कर आप जा भी सकते हो यहाँ से आसानी से। आप पूरी स्क्वाड को यहाँ पर लूट मिल सकती है। अगर आप अपनी स्क्वाड को यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ पर बंदे भी बहुत कम उतरते हैं या फिर उतरते ही नहीं हैं। यहाँ पर देखिएगा गाइस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी सारी लूट होगी इन घरों में। इन घरों में काफ़ी लूट है। अगर मैं लूटना चाहूँ तो यहाँ पर कितनी भी लूट सकता हूँ। मेरे लिए तो यहाँ पर बहुत एक बंदे के लिए तो यहाँ बहुत सारी लूट है, और साथ ही साथ स्क्वाड के लिए भी बहुत सारी लूट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस, इसकी मैप में इसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि ये लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी स्क्वाड के साथ रैंक पुशिंग के टाइम पर। यहाँ पर देखिएगा, मैं आप सभी लोगों को ये क्लासिक में ले जाकर दिखा रहा हूँ, बट आपको यहाँ पर रैंक में अगर आपका बरमूडा मैप पर लगता है तो आपके लिए ये बहुत ही काम की जगह है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये काफ़ी ओपी जगह है। तो आपको ले चलता हूँ मैं प्लेस नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा गाइस, 3 प्लेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 3 प्लेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। यहाँ पर 3 प्लेस पर तो आपको कोई देख ही नहीं सकता। अगर कोई आपको देख लेना तो मेरी गारंटी है। यहाँ पर देखिएगा गाइस, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लूट कर लेनी है। सबसे पहले तो इस मल्टी विंडो में उतरना है और आपको लूट कर लेनी है। यहाँ पर अगर रश करके कोई भी बंदा आता है तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। वो बंदा आपको देखकर चला जाएगा पर आपको उसको मिलोगे नहीं। यहाँ पर मैंने फायर कर दिया है, यहाँ पर बंदे आते ही होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर बैठ जाना है। ये बेसिकली एक हिडन प्लेस नहीं है बल्कि ये एक सर्वाइविंग प्लेस है। यहाँ पर अगर आपके कोई बंदा नेड कर देता है फिर वो रश करता है ना इस घर के ऊपर रश करता है,
तो आपको यहाँ पर आकर बैठ जाना है। यहाँ पर आकर जैसे ही वो आपको इस खिड़की में देखेगा, ये यहाँ पर ये बालकनी है ना, इधर आपको कोई देखने के लिए आएगा बंदा, वैसे ही आपके पास अगर SMG या शॉटगन है वैसे ही आपको फायर कर देना है और इस बंदे का काम तमाम कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस लोकेशन से। मैं आपको बताने जाता हूँ अब थर्ड नंबर की लोकेशन की, मैं आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड नंबर की लोकेशन यहीं है पीक पर, ये थर्ड नंबर की लोकेशन। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा थर्ड नंबर की हिडन प्लेस को देखिएगा गाइस, यहाँ पर ये टावर है ना वो है थर्ड नंबर की हिडन प्लेस। देखिएगा गाइस ये कितनी अच्छी हिडन प्लेस है, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देख सकता। हिमा शक्ति के ऊपर कितने ही बंदे उतरे ऊपर है, आपके ऊपर नज़र नहीं जाएगी क्योंकि मैं भी उतरा हूँ हिमा शक्ति के ऊपर, और वहाँ से मेरा एक टीममेट यहाँ पर था पर वो दिख नहीं रहा था, बस उसका नाम दिख रहा था। इस टावर पर के ऊपर आकर क्या है ग्लिच हो जाता है जिससे कि यहाँ पर बंदा दिखता नहीं है। अगर आपको यहाँ अगर आपका प्लेन यहाँ से जाता है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, अगर आपका प्लेन यहाँ से ना जाकर पिक के ऊपर से जाता है यहाँ आप आ नहीं सको तो आपको पिक के ऊपर भी एक टावर दिखेगा, उस पर भी जाकर मैं आपको बता देता हूँ वो है 5th नंबर का हिडन प्लेस। देखिएगा गाइस यहाँ पर ही बंदा आ गया है, यहाँ पर यहाँ पर बंदे ऐसे घूमते रहेंगे। अगर आप यहाँ पर एयर ड्रॉप लेकर आते हो और यहाँ पर एंड सर्कल भी बहुत काफ़ी बार बन चुका है, एंड सर्कल बनता है अगर यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आसानी से बुइया कर सकते हो अगर आप एयर ड्रॉप लेकर आते हो जैसे कि मैं लेकर आया हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर आपको पिक पर भी जाकर बताता हूँ 5th नंबर की हिडन प्लेस को। तो चलते हैं पिक पर, यहाँ पर ये बंदी घूम रही थी, मैंने सोचा इसका किल उठा लूँ। यहाँ पर देखिएगा इस यहाँ पर इसका किल उठाते मैं भी उठ गया। तो आइए पिक पर जाने के लिए मरना ज़रूरी था इसलिए मैं आपको पिक पर अभी जाकर बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पिक पर, तो यहाँ पर देखिएगा गाइस यहाँ पर मैं इस टावर के ऊपर उतरने वाला हूँ, फिर आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना अच्छा हिडन प्लेस है। यहाँ पर भी आपको सर्कल बनता हुआ दिख जाएगा, काफ़ी बार यहाँ पर सर्कल बना हुआ है, एंड सर्कल तो यहाँ पर बहुत बार बनता है, यहाँ पर 3 सर्कल तो आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आप मैं एयरड्रॉप लेकर आया हूँ और साथ ही मेरे पास एक ग्लूबल वाला पैट है जिससे कि मुझको ग्लूबल मिलेगी और मैं नीचे जाकर ग्लूबल लगा सकता हूँ बंदों से बचने के लिए। यहाँ पर अगर आप कोर्ड की एबिलिटी लगा कर आते हो तो आप जोन से भी काफ़ी देर सर्वाइव कर सकते हो जोन में भी। तो यही थे गाइस यहाँ पर टॉप 5 हाइडिंग प्लेसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको और साथ ही साथ अगर आपको बर्मुडा रिमास्टर की हिडन प्लेसेस चाहिए तो मुझे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बर्मुडा रिमास्टर के भी हिडन प्लेसेस लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो गाइस बाय बाय।